हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीज फॉर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल अबाउट द आइसोमॉल्ट। आइसोमॉल्ट इज अ शुगर सब्सटीट्यूट एंड इट इज अ टाइप ऑफ शुगर अल्कोहल। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग हार्ड रॉक शुगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोमॉल्ट केक डेकोरेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ये बियर बॉटल केक में आइस क्यूब्स लगते हैं, एडिबल आइस क्यूब, वो आप आइसोमॉल्ट से बना सकते हैं। स्कल्पचर होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, वो आइसोमॉल्ट से बना सकते हैं। कैंडीज, प्लेन कैंडीज, ट्रांसपेरेंट कैंडीज, कैंडीज विद द स्प्रिंकल्स, वो भी आप आइसोमॉल्ट यूज़ करके बना सकते हैं। मार्केट में अभी इजीली अवेलेबल होने वाले जो आइसोमॉल्ट ब्रांड है वो है प्यूरिक्स एंड राजवी, जो आपको इजीली बेकिंग स्टोर में मिल जाएंगे। आइस क्यूब्स का और कैंडी का जो क्वालिटी है वो आइसोमॉल्ट के क्वालिटी पे भी डिपेंड रहता है, क्योंकि जो ख़राब क्वालिटी के आइसोमॉल्ट्स है वो बहुत बार क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल व्हाइल बाइंग द आइसोमॉल्ट। प्लीज़ बाय ऑलवेज अ गुड क्वालिटी आइसोमॉल्ट। आइसोमॉल्ट आइस क्यूब बनाने के लिए हम लोगों को पहले आइसोमॉल्ट मेल्ट करना है। आप आइसोमॉल्ट माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं और गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए आपको आइसोमॉल्ट लेना है ग्लास बाउल में, और क्वांटिटी के हिसाब से उसको 1 or 2 minutes तक उसको माइक्रोवेव करना है, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है, आपको आप कौन सा भी नॉनस्टिक और स्टील का पैन ले सकते हैं, उसमें आइसोमॉल्ट डाल के उसको गैस पे एकदम धीमी आँच पे आप मेल्ट करवा दो। आइसोमॉल्ट अभी मेल्ट हो गया है, इसको ज़्यादा करने पे ये येलो कलर का हो सकता है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही सेट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 minutes टू हाफ एन आवर लग सकता है इसको सेट होने के लिए। ये देखिए हमारे आइस क्यूब्स। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे आइसोमॉल्ट के कैंडीज कैसे बनाने हैं। मैंने अभी सिलिकॉन का मैट लिया है, उसके ऊपर मैं अभी ये प्लेन कैंडीज बनाऊंगी। ये स्पून से आप एक स्पून वगैरह डाल सकते हो, जैसे आपको साइज रिक्वायर्ड है। मैंने इसको लॉलीपॉप स्टिक लगाया है, जिसके वजह से हम लोग इसको केक पे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकेंगे। जब तक ये मतलब वेट है, तब तक ही आप लोग ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज आप रेगुलर प्लेन कैंडीज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिलिकॉन का कैंडी मोल्ड लिया है, उसमें भी आप स्प्रिंकल्स ऐसे डाल के इस पे आप इसमें आप आइसोमॉल्ट डाल सकते हैं, तो आपको जो शेप का आपका मोल्ड है वो शेप का कैंडी आपको मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंकल आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें लॉलीपॉप का स्टिक डालूंगी, तो उसमें थोड़ा सा आइसोमॉल्ट कि वो आपका जो स्टिक है वो बराबर से फिट हो जाए, उसमें उसको टैप करके हम लोग छोड़ देंगे इसको सेट होने के लिए। मैंने आइसोमॉल्ट में लिक्विड रेड कलर ऐड किया है, आप जेल कलर भी ऐड कर सकते हो, और ये अभी मैं ये मोल्ड में डालूंगी। ये जो बना है ना वो कैंडीज अनमोल्ड करते हैं। ये देखिए कितना इजीली निकल रहा है, देखिए हमारा ब्यूटीफुल आइसोमॉल्ट कैंडी। ये देखिए, इसमें आप वैरायटी ऑफ स्प्रिंकल्स डाल के कैंडीज बना सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्कल्पचर बनाएंगे जो केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके लिए मैं लूंगी एक डमी, उसके ऊपर ग्लास रखूंगी, क्योंकि मुझे ये शेप्स का ये शेप का स्कल्पचर चाहिए। इसके ऊपर मैं आइसोमॉल्ट डाल के उसको सेट करना है, ठीक है। तो मैंने अभी इस साइड पे आइसोमॉल्ट को गरम करके ले लिया है, मेल्ट करके ले लिया है। मैं ये गरम आइसोमॉल्ट जो है ये मैट के ऊपर डाल रही हूँ। मैं इसमें ये कलर ये यूज़ कर रही हूँ क्लिप्स, इसको एक शेप प्रॉपर शेप देने के लिए। इसमें हम लोग कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें लिक्विड कलर भी जाता है और जेल कलर भी इजीली चला जाता है। ये अभी मैं निकालूंगी, ये क्लिप्स पहले निकाल कर ले लेते हैं। ये नॉनस्टिक का सिलिकॉन मैट होने की वजह से ये इजीली निकल के भी आता है, जस्ट आपको बहुत केयरफुली करना है।
ये देखिए ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर। अभी हम लोग बना रहे हैं वेफर पेपर की और शुगर पेपर की कैंडीज। मैंने इसमें पेपर पिक थीम का एक राउंड शुगर प्रिंट जो है वो कट करके लिया है, और ये जो है वो एडिबल वेफर पेपर के बटरफ्लाइज है। ये यूज़ करके भी आप थीम कैंडीज बना सकते हैं। मैंने आइसोमॉल मेल्ट करके लिया है। ये देखिए हमारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई और फोटो प्रिंट वाले पेपर पिक के कैंडीज। फ्रेंड्स, आइसोमोल्ड के साथ काम करते वक्त आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें से पहली जो है वो है आइसोमोल्ड हीट करने पे, ज़्यादा हीट करने पे उसका येलो कलर आ जाता है। सो मेक श्योर करना प्रॉपरली उसको हीट करें। दूसरी जो चीज़ है, आइसोमोल्ड जब तक मेल्ट नहीं होता, जब तक मेल्ट हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो आपको बर्न होने के चांसेस हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप सिलिकॉन हैंड ग्लव्स यूज़ करें और प्रॉपर नैपकिंस आप यूज़ करें। तीसरी जो चीज़ है, आइसोमोल्ड जब गर्म है तभी आपको उसको, मतलब थोड़ा सा मेल्टेड कंडीशन में उसी टाइम पे आप कैंडीज बनाना ट्राई करो। उस टाइम पे वो इजीली स्प्रेडेबल रहता है, आप इजीली स्पून यूज़ करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। वो थिक होने के बाद एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चौथी जो चीज़ है, जब आइसोमोल्ड गर्म हो गया है और उसको ठंडा करना है, मतलब कैंडीज वगैरह बनाने के पहले, तब आप ज़्यादा उसको स्टर मत करना, स्पून से ज़्यादा स्टर मत करना। उसकी वजह से उसमें बबल्स आ जाते हैं, वो बबल्स आपके आइस क्यूब में, स्कल्पचर में और कैंडीज में दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, आइसोमोल्ड के बारे में आपके बहुत से डाउट सॉल्व हुए होंगे, पर इवन देन आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ये आइसोमोल्ड कैंडीज और आइस क्यूब सब बनाने के लिए आपको जो भी सामान चाहिए वो केवीज फूड पुणे और कोल्हापुर में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब केवीज फूड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय। आइसोमोल्ड की कैंडी जरूर ट्राई करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।